हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है का माय प्रोजेक्ट एसडी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटरशिप चल रही है, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर के सभी बेसिक एंड एडवांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। देन उसके बाद हमने ब्लॉगिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो आइए हम देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, जाते हैं हमारे स्टेप में। देन यहाँ से हम लॉग इन करते हैं। देन पासवर्ड, लॉग इन। देन लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे चैट सेक्शन में, जहाँ पर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जब हम इस यूज़र पे क्लिक करते हैं तब उसका चैट मॉड्यूल ओपन होता है। तो आज हम इस सेक्शन को पूरी तरह से जो है मैनेज करेंगे, जिसमें यहाँ पर हम कुछ भी अगर टाइप करेंगे तो उसे हम डेटाबेस की एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में इंसर्ट करने की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर यूज़र की चैट रहेगी। तो आइए हम डेटाबेस में सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, जिसमें जो भी यहाँ पर कन्वर्सेशन रहेगी उसे हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आता हूँ डेटाबेस में, और यहाँ पर एक हम टेबल बनाएंगे। देन यहाँ पर होगा चैट, देन इसके अंदर होगी यहाँ पर आईडी, उसके बाद होगा हमारा यूज़र वन एंड यूज़र टू एंड टोकन। एंड इसके बाद हम इसे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसमें दो फील्ड और ऐड करते हैं। इसमें एक होगी क्रिएटेड एट, तो यहाँ पर हम क्रिएटेड एट की जगह स्टेटस रखते हैं। देन स्टेटस के बाद हम रखेंगे क्रिएटेड एट, और यहाँ पर हम डेटा टाइप रखेंगे इसका, वेयर केयर का भी रहेगा वेयर केयर, टोकन भी रहेगा वेयर केयर, स्टेटस हम करेंगे एज डिफाइन वन, और यहाँ पर हम रखेंगे टाइम स्टैम्प, और एज डिफाइन होगा करंट टाइम स्टैम्प। एंड इन सभी को हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं नल, तीनों को, और इन दोनों में तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ऑलरेडी, तो इसे नल की ज़रूरत नहीं है। देन आईडी को हम करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी, एंड इसे हम करते हैं यहाँ से सेव। तो यहाँ पे इसने बोला वैलिड लेंथ, तो हमें वेयर केयर में लेंथ देना होगी, तो हमें वेयर केयर में लेंथ नहीं दी इसलिए एरर आई है। तो हमें सभी जगहों पर देते हैं लेंथ, यहाँ पे 250 250 250 एंड इसे हम करते हैं सेव। देन इसमें हमने एक फील्ड मिस करी है अभी, तो हम उसको ऐड करेंगे। तो हम ओपन करते हैं हमारी टेबल चैट वाली, तो चैट वाली टेबल में हम जाते हैं। देन यहाँ पर जो हमारी फील्ड है वो मैसेज नहीं है, तो हमें इसमें मैसेज फील्ड ऐड करना होगी। यहाँ पर हम आईडी के जस्ट बाद एक फील्ड ऐड करेंगे मैसेज, लिखते हैं मैसेज। देन इसमें रखते हैं या लॉन्ग टेक्स्ट रख देते हैं। देन बाय डिफ़ॉल्ट इसे नल करेंगे एंड सेव कर देते हैं, तो इसमें हमारा मैसेज होगा। और अब हम हमारी टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें हमारे पास है आईडी, मैसेज, यूज़र वन, यूज़र टू, टोकन, स्टेटस और क्रिएटेड एट। अब हमें इस फॉर्म के सबमिट पर हमारे इस डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है। तो इसमें जो हम मैसेज सेंड करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे अजेक्स का। तो अजेक्स के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी जावास्क्रिप्ट की, तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखते हैं, तो ये देखिए हमारे इसमें जेक्वेरी लाइब्रेरी ऑलरेडी इम्पोर्ट है, तो हम जेक्वेरी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी कस्टम डॉट जी एस में। कस्टम डॉट जी एस में जाने से पहले हम चलेंगे हमारी चैट डॉट पी एच ई फाइल में, और हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं जहाँ पर हमारा इनपुट टाइप है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर इनपुट टाइप बने हुए हैं, तो इन सभी को हमें आई डी भी देना होगी। आई डी है टोकन, यूज़र और यूज़र टू। इसी तरीके से हमें यहाँ पर मैसेज को भी आई डी देना होगी, तो हम आई डी देंगे मैसेज, और यहाँ पर भी हम एक आईडी देंगे सेंड मैसेज, एंड इसे हम करते हैं कॉपी। देन चलते हैं हमारी कस्टम डॉट जे एस फाइल में, और यहाँ पर हम वैल्यू गेट करेंगे। देन यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक, देन यहाँ पर हम हैश से लगाएंगे, सॉरी क्लास नहीं है ये आईडी है। और यहाँ पर हम एक एनिमल फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हम एक अलर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है ये। तो
इसे बंद करते हैं और इसे हम करते हैं हार्ड रिलोड कंट्रोल F5। देन इसके बाद हम अगेन यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब वो क्लिक करते हैं तो देखिए अलर्ट आ रहा है, मतलब हमारा कोड चल रहा है। अब हमें यहाँ पर वन बाय वन वैल्यू लेना है, तो पहले लेना है यहाँ पर मैसेज, देन यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़ मैसेज डॉट वेल। इसी तरीके से हम इनके डुप्लीकेट बनाएंगे और सभी वैल्यू लेंगे जितनी भी हमारे इसमें है। हमारे पास है टोकन, यहाँ से हम लेते हैं टोकन, देन उसके बाद है यूज़र, देन यूज़र टू, यहाँ पर हम देंगे यूज़र टू, यहाँ पर हम देंगे यूज़र और यहाँ पे देंगे हम टोकन। देन इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज, कंसोल डॉट लॉग टोकन, यूज़र, कंसोल डॉट लॉग यूज़र टू। देन इसे हम करते हैं सेव, अगेन हम इसे करते हैं हार्ड लोड और देखते हैं कि हम जो वैल्यू दी है वो कंसोल पर आ रही है अगर हम एंटर करते हैं तो हम इसे करते हैं इंस्पेक्ट। दुनिया से हम ओपन करते हैं कंसोल, हम करते हैं क्लियर और अगेन यहाँ पर कुछ हम वैल्यू देंगे। देन जैसे ही हम करते हैं सेंड तो देखिए हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। सबसे पहले मैसेज है, देन उसके बाद हमारा टोकन है, देन उसके बाद हमारा वन एंड टू है। तो इसके बाद हमें इसे बैकएंड पर सेंड करना है हमारी कोऑर्डिनेटर में, तो उसके लिए हमें API कॉल करना होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉलर डॉट पोस्ट, देन सबसे पहले हमारा URL होगा, तो हम देख लेते हैं कि हमने हेडर में बेस URL सेट किया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बेस URL बना रखा है, तो हम बेस URL करेंगे कॉपी, देन यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट, देन प्लस करेंगे, देन इसके बाद लिखेंगे होम स्लैश सेंड मैसेज। देन इसके बाद हम यहाँ पर डेटा पास करेंगे जिसमें पहला होगा मैसेज, देन सेकेंड होगा टोकन, देन टोकन के बाद होगा यूज़र, देन इसके बाद होगा यूज़र टू, देन लास्ट में हम देंगे यहाँ पर एक फंक्शन जिसमें हमें कॉल बैक रिसीव होगा और इसमें हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं फीडबैक FB। देन यहाँ पर अलर्ट करते हैं हम हमारी इस वेरिएबल को, यहाँ लिखते हैं हम अलर्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे FB। देन होम कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे, तो हम चलते हैं हमारे होम कंट्रोलर पर। इसके लिए हमें जाना होगा हमारे एप्लीकेशन फोल्डर के कंट्रोलर फोल्डर के अंदर home.php पर, एंड सबसे लास्ट में हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम इस फंक्शन को बनाते हैं पब्लिक फंक्शन सेंड मैसेज और यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को, देन इसे हम करते हैं सेव, अगेन हम इसे करते हैं हार्ड लोड, देन क्लियर करेंगे और हमारा नेटवर्क भी हम करते हैं क्लियर। देन नेटवर्क क्लियर करने के बाद हम यहाँ करेंगे क्लिक एंड अगेन यहाँ पर हम देखते हैं टेस्टिंग मैसेज और हम थोड़ा सा नेटवर्क को ज़्यादा ओपन कर लेते हैं तो हमें क्लियर रिक्वेस्ट दिखेगी। हम जैसे सेंड करेंगे तो ये देखिए हमारे अलर्ट में भी आ चुकी है सारी वैल्यू, मैसेज हमारा, हमारा टोकन, यूज़र और यूज़र टू। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी आके देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी वैल्यू मिल रही है। तो फ्रेंड्स हमारे कंट्रोलर तक सारी वैल्यू आ चुकी है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये होगा कि हमें इसे हमारे डेटाबेस से मैप करना है यूज़र के अकॉर्डिंग के दोनों यूज़र, यूज़र वन और यूज़र टू को दोनों को ये मैसेज प्रॉपर दिए। तो ये प्रोसेस हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड होंगे, तो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर मेरे प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।